देखो देव स्कूल से आ गया हमारा, और इनको बाहर बुलाया है क्योंकि इनको अलग कमरे में रखना है, कमरे के आसपास कोई नहीं, इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा है इसलिए। क्या बोल रहे हो? अच्छा पेपर गया। तो देखो आज देव ना सैंडल पहन के गया था क्योंकि उसकी सैंडल लेने जूता लेने जाना है ना, छोटे पड़ गए थे। देखो खुद से उतार रहा है बेचारा, मैंने आप लोग को बताया था। बस हम लोग जाएंगे देव की ड्रेस उतार दें, खाना पीना खाना है, उसके बाद है ना जूते लेने। मम्मी आपने और आना कभी दिया, आना कभी लिखा, तो ये देखिए यहाँ पे लेटे हुए हैं झूला, क्योंकि पापा को अंदर नहीं लेटना था ना, पापा को डॉक्टर ने बोला सबसे अलग रखना है बच्चों से सबसे। ठीक है यहाँ पे बैठ जाना, बैठ जाओ, हम ड्रेस उतार देंगे। ये देखो तो यहाँ पे ये लेटे हुए हैं, और मैं आप लोगों को बता दूँ अभी बोलने की हालत में मैं नहीं हूँ। सो चलिए इसकी ड्रेस उतार दूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और डॉक्टर अंदर लेटे थे, हम देखिए हम तो डॉक्टर है नहीं कि हम अपनी जो है कि हम अपने तरीके से चलते रहें। सो जो डॉक्टर ने बोला वही चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अभी तीन दिन हो गया है इनको, और देखते हैं आराम कब, क्योंकि वो चीज़ है ना जो ज़्यादा फैलती जा रही हैं, इसलिए चलिए इसकी ड्रेस चेंज कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मैं तभी तो बोल रही पैंट भी ढीट कड़ा हो गया है तुम्हारा। सुसु गए थे क्या? सुसु गए थे पैंट से? नीचे बैठो, झूला बैठी सब बैठी, पीछे बैठो। सुनो अब जाओ हाथ पैर धुलाओ, टप में पानी लगा के जाओ। हाँ टी शर्ट पहन लो, हाँ टी शर्ट पहन लो, अच्छा टी शर्ट पहन लो, टी शर्ट तो पहनो। बताओ तो पहन, पकड़ो पहले पहनो तो। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्या करूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ का करने का, पर करना पड़ेगा मुझे। देव भी स्कूल से आया, उसको भी भूख लगी है। तो सुबह तो ऐसा है कि नाश्ता पानी मैंने बना दिया था, अभी जा रही हूँ खाना बनाने। सो यहाँ पे लगा दिया ट्राईपॉड, की भी फंसाने की मेरी हिम्मत नहीं कि एक तरफ ट्राईपॉड फटाओ उसके बाद खाना बनाओ। शिव को बड़ी मुश्किल में सुलाया, और पता नहीं मुझे अब आप लोगों से बात करने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान पता नहीं कितनी परीक्षाएं देते हो मेरी। शिव अभी सो रहा है, जब तक वो खाना बन जाए तो मैं यही सोच रही हूँ बन ही जाए। राशन भी लेने जाना है थोड़ा बहुत, कुछ कुछ खत्म है। अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को इतना जोर लग रहा है कि मैं क्या कर लूँ। हे भगवान, आप देखने वाले हो, जानने वाले, समझने वाले हो। मेरे काम को लेकर यहाँ पे बैठी हूँ, बाहर जाने बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, बाहर के दरवाजे लगा दिए। हर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, घबराने की वजह से हम लोग को वहाँ बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे, तो हम लोग अभी यहाँ पे देखिए अंदर बैठे हुए हैं।
घबराहट तो मुझे भी हो रही है, मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हिम्मत रखनी होगी। पानी गिर रहा है, इसके लिए सूज लेने जाना था और इनके लिए एक मेडिसिन जो कि येलो पन्नी वाली ख़त्म हो गई वो लेने जानी थी, और इनका कोई साबुन लेने जाना था इसके उससे लेना था। मैं सोचा ये इसको सुला दूँ उसके बाद जाऊँ छत्ता ला के जाएंगे तो देव को लेकर जाऊँगी इसको सुला के। जब भी मैं शिप को सुलाती हूँ तो करीब एक डेढ़ घंटे दो घंटे तो सोता ही सोता, उतने बीच में हम आ जाएंगे पास में ही जाएंगे तो ये सो जाए उसके पास, ऐसे नहीं है ना। ये देखो ये 100 रुपए है और इसमें लिखा है नीम वाली साबुन और 20 रुपए की चना, जाओ ले आओ। पैसे अच्छे से रख के लेकर जाओ मोड़ के, तो हम यहीं से खड़े होके देख रहे हैं। जाओ अब 100 रुपए है, ठीक है जाओ अच्छे से नोट पकड़ो, अच्छे से घड़ी करके पकड़ो, भी पकड़ो अच्छे से भैया। वेरी गुड, आ जाओ गाड़ी जब आया करो तो किनारे हो जाया करो, हाँ आ जाओ। दो पैसे दो, नीम दे दो। कितने सारे पैसे लेके? पैसे कितने सारे, कितने बचे? 60 रुपए। ये कितने का? दो पैसे दो, दे। ज्यादा गर्म करना है कुनकुना है, एक बाल्टी बस के लिए अकेले नहा लोगे? पानी रख दो। को लेकर यहाँ पे बैठी हूँ, बाहर जाने बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, बाहर के दरवाजे लगा दिए। हर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, घबराने की वजह से हम लोग को वहाँ बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे, तो हम लोग अभी यहाँ पे देखिए अंदर बैठे हुए हैं। घबराहट तो मुझे भी हो रही है, मेरे हाथ पर कांप रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हिम्मत रखनी होगी। पानी गिर रहा है, इसके लिए सूज लेने जाना था और इनके लिए एक मेडिसिन जो कि येलो पन्नी वाली ख़त्म हो गई वो लेने जानी थी, और इनका कोई साबुन लेने जाना था इसके उससे लेना था। मैं सोचा ये इसको सुला दूँ उसके बाद जाऊँ छत्ता ला के जाएंगे तो देव को लेकर जाऊंगी इसको सुला के। जब भी मैं शिप को सुलाती हूँ तो करीब एक डेढ़ घंटे दो घंटे तो सोता ही सोता, उतने बीच में हम आ जाएंगे पास में ही जाएंगे तो ये सो जाए उसके पास, ऐसे नहीं है ना। हमें लगा देव सोएगा पर देव सोया ही नहीं। ऊपर चलो, आओ उधर चलो, उधर से आओ, उधर से आओ।
और उधर से आओ। भैया स्लीपर्स उतार के जाए क्या? आओ चलो, नहीं नहीं पहन के चलो स्लीपर। भैया नहीं जल्दी जल्दी नहीं चल पाऊंगी। खालसा स्कूल की वाइट ड्रेस कौन दिखाएगा भाई? खालसा स्कूल का क्या चाहिए? वाइट ड्रेस चाहिए इसके लिए। हाँ हाँ पहन के देखो ना, खड़े हो इधर आ गया, जाओ उधर जाओ। ठीक है ठीक है। शर्ट हाफ खोल, हाफ देव वहां पे शर्ट पहले नाप लो अच्छे से, पीछे से नापना भैया, पीछे से पीछे से। एक नंबर बड़ा दीजिए, बड़ा ही है फिर वो चढ़ने लगती है भैया। बड़ा ही है, आराम से आएगा, बड़ा ही है। ठीक है, और सॉक्स दिखा दीजिए। हाँ नहीं, हाँ जूते भी चाहिए आपके यहाँ मिल जाएंगे? दिखा दीजिएगा ब्लैक। हाँ देखो आपने स्लीपर देखो उसकी पहनी, ये इसमें पहनो वो उसमें पहनो, जल्दी पहनो, नहीं पहनना। दुकान आए, दुकान में हम थक गए, ये देखो थक गए मम्मा, मम्मा की चाट, मम्मा ने सूट ले ली, देव अभी दोबारा रिटर्न बैक करने गया है क्योंकि मैं नहीं जा सकती अब ऊपर, मत नहीं। जल्दी आओ देव, तो हमने देखी टॉयस ले ली। क्या? हाँ अभी दवाई बस और ले ले पापा की। हाँ हाँ बहुत अच्छा है ना, देखिए देव कितना ज्यादा खुश है, पीछे पीछे आ रहा है देव। अभी हम दवाई ले लें क्योंकि रोड भी चल रही है। वीडियो यही है, कितना हुआ? देवी दवाई भी डालो बैग में, लो पीछे करो, पीछे करो, खोलो चैन, खोलने दो ना। हाँ हाँ भैया, देव ऑटो चल रही है, रुको भैया चलो आओ। हाँ ये लो टॉफी। हाँ क्यों दे, भारी है? घंटे भी नहीं लगे खाने के पास, मैं रुक जाता हूं, पुराना खाना ना। हम लोग जल्दी आ गए और जल्दी जा रहे हैं अपने घर, और हजार रुपए मात्र इतने रुपए बचे हैं, दिखाएंगे घर जाके आपको क्या क्या लिए क्या क्या नहीं लिए।
और दोनों के बीच में नहीं बन रहा ना, हाथ पकड़ो, हमारा हाथ पकड़ो, रुक जा बेटा, ऊंची है ना, ऊंची है, पैर नहीं था, नहीं पैसे खत्म हो गए थे ना, कोई बात नहीं, खुश हो ना, हैं, हंस के दिखाओ, ही 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 ही, हाँ, खूब सारा सामान ले लिए ना, हाँ, अब डॉक्टर डॉक्टर खेलना, ठीक है? अच्छा क्या बोल रहा था, समझदारी बाबू, आपने और कोई चीज क्यों नहीं ली? क्या? आपने वो और कुछ क्यों नहीं लिया पहले बताओ तो, क्या? पापा से पापा आपकी दवाई नहीं नहीं हाँ दवाई लाए पहले बताओ, आपने और पैसे खर्च क्यों नहीं कराए? आप बहुत मेहनत से कमाती, देव को मैंने बोला दुकान में, देव आप चिप्स ले लो, बोला नहीं मम्मी आपके सारे पैसे खर्च हो गए, मैं कुछ नहीं लूंगा। सो स्वीट देव, कहता बहुत मेहनत से कमाती हो मम्मी आप। सो बैग लेके आए हैं और उसकी ड्रेस और शूज और दवाई। बैग बताओ कितने का है, महंगा बताओ, 300 का दिए फिर मम्मी, दवाई का है। दवाई है ना, इसी पे डाली है ना, खोलो उसको, और क्या लेके आई मम्मी बताओ ना, ये क्या है, डॉक्टर सेट, ये दवाई पापा की दे दो, दूर से दे दो, खुश हो कि नहीं हो, खुश हो, ठीक है, वो दम नहीं करना, हाँ हाँ बैठ जाओ, तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, और मैं आप लोग को बता दूँ मेरा बच्चा कब इतना बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, उसने जिद ही नहीं की किसी चीज़ की, मम्मी मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ, डॉक्टर खिलौने के लिए पता वो क्यों लेके आया, मैं आपको बताती कि मम्मी घर में पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उनका इलाज करूँगा, मम्मी आपके पैसे बहुत खर्च हो गए हैं, और सबसे पहले जब वो आया आपने देखा, मैं उसको भटका रही थी कि आप अपने खिलौने दिखाओ, बैग दिखाओ, ये दिखाओ, पर उसको सबसे पहले चिंता थी कि पापा की दवाई मैं पापा को दे दूँ, ये चीज़ आपने नोटिस की कि नहीं की, है ना, तो ये चीज़ मुझे एकदम से भावुक हो गया, और सच में ना भगवान देख रहे हैं हमें, बस कहते हैं ना भगवान उन्हीं को तकलीफ़ देता है जो तकलीफ़ झेलने की क्षमता रखते हैं, अगर ये तकलीफ़ किसी और को देंगे ना तो फिर भगवान वो व्यक्ति नहीं झेल पाएगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं हूँ ना, अब ये सब चीज़ की तो मुझे आदत हो ही गई है, तो आपने देखा था जब ये ना सुबह, मैंने आप पता नहीं वो कैप्चर किया नहीं किया, जब ये सुबह ना बोल रहा था मम्मी मेरे जूते बहुत छोटे हो गए हैं, मेरे को आगे से गड़ रहे थे, तो फिर बोलता मम्मी सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मैं सैंडल पहन के जा रहा हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, बोला ठीक है मम्मी मैं आज पहन जाता हूँ, उनका उससे नहीं होता, ये ना होता ही है बरसात में, कई लोग तो नारगिस बोल रहे, पता नहीं नारगिस बोल रहे, नारगिस बोल रहे, उसको भी खिलाओ यार, उसको भी खिलाओ बेटू, मेरे को परेशान नहीं करो, हाँ।